लो फिर ये गेंद इसी पैर में अटक गई। चलो इस पैर को उखाड़ ही डालते हैं। हाँ हाँ अरे अरे बच्चों ये क्या कर रहे हो तुम लोग? दीदी हम लोग जब भी खेलते हैं तो हमारी गेंद इस पेड़ में फंस जाती है जिसकी वजह से हम लोग नहीं खेल पाते। आज हम इस पेड़ को हटा के ही रहेंगे। हाँ दीदी हम लोग हटा के ही रहेंगे। नहीं बच्चों पेड़ पौधों को नहीं उखाड़ना चाहिए। पेड़ पौधे तो हमारे बहुत काम के हैं। वो कैसे दीदी? बच्चों जरा ये बताओ तुम्हारा घर किस चीज से मिलकर बना होता है? हमारे घर काज मूछ मिट्टी और ईंट से मिलकर बने होते हैं। और हमारे घर में तो दीदी खिड़की और दरवाजे भी लगे हैं। अच्छा बच्चों ये बताओ कि खिड़की और दरवाजे किससे मिलकर बने होते हैं? लकड़ियों से मिलकर बनी होती है। और ये लकड़ियाँ कहाँ से मिलती हैं? पेड़ पौधों से। दीदी पेड़ पौधों से लकड़ियाँ मिलती हैं। बच्चों तुमने देखा है कि जो गांव में जो झोपड़ियाँ पड़ी होती हैं, झोपड़ियों के ऊपर छप्पर होता है और ये छप्पर जानते हो कांस पुआल पैरा इसको हम बांस से बांध देते हैं और उसी से हम छप्पर बनाते हैं। तो इस प्रकार से हमें ये पता चलता है कि जो पेड़ पौधे होते हैं ये हमारे घर को बनाने में बहुत मदद करते हैं। बच्चों तुम लोग कुछ खा के तो जरूर आए हो ना खाकर? जी दीदी हंसी आ गई खाने की बात सुनकर। क्यों अच्छा ये बताओ क्या खाया आज तुमने? दीदी आज हम भुट्टा खा के आए हैं। क्या कर रही हो? अरे वाह तुमने क्या खाया? दीदी आज मैंने दाल चावल खा के आया हूँ, बड़ा स्वादिष्ट बना था। अरे वाह दाल चावल तुम्हें बहुत पसंद है। जी दीदी तुमने क्या खाया? दीदी आज हम आलू बैंगन की सब्जी और पराठे खा के आए हैं। सब्जी खाई तुमने? आलू बैंगन की सब्जी। अरे वाह तुमने क्या खाया? चने की दाल और रोटी खा के आया दीदी। इन्होंने क्या खाया? दाल और रोटी। क्यों चने की दाल? जी अरे वाह बच्चों ये रोटी खा कर आए हैं। और रोटी किससे मिलकर बनी होती है? गेहूं के आटे से दीदी। हाँ गेहूं से, गेहूं की बालियों से हम उसको पिसाते हैं, उसका बीज निकालते हैं, वही तो गेहूं होता है। और उसको पिसाने के बाद में क्या होता है? उससे आटा बनता है और आटे को गूंद के गरम गरम रोटी बनती है ना? अच्छा ये बताइए कि जो गेहूं की जो बालियां हैं वो कहाँ से मिलती हैं? पेड़ पौधों से दीदी। हम लोग को मसाले भी पेड़ पौधों से मिलते हैं। जैसे ये देखो हल्दी देख रहे हो तुम लोग, ये हल्दी की गांठें हैं, ये हल्दी भी हमें पेड़ पौधों से ही मिलती है। ठीक है बच्चों ये आपका धनिया हो गया, ये खड़ा धनिया है, इसको ही पीस कर हम मसाले में इसका प्रयोग करते हैं। देखिए बच्चों धनिया को, ये हो गया धनिया। वैसे ही ये देखिए मिर्च, अभी कौन बच्चा कह रहा था कि मिर्च उसे बहुत अच्छी लगती है, अभी सबको खिलाएंगे हम। ये देखिए मिर्च, इसको भी हम मसालों में प्रयोग करते हैं और ये हमें पेड़ पौधे ही देते हैं। ठीक है बच्चों ये देखिए ये जीरा भी पेड़ों में ही लगता है। ये काली मिर्च देखिए बच्चों, ये हो गई काली मिर्च, छोटी काले रंग की है, ये गोल गोल है, ये काली मिर्च है, बहुत तीखी और कड़वी होती है, इसका भी प्रयोग हम मसाले में करते हैं और ये पेड़ पौधों से ही मिलती है। ये देखिए बड़ी इलायची है, खड़ी इलायची है बड़ी वाली, इसको भी हम जब हम गरम मसाला बनाते हैं तो इसको उसी में पीस कर डालते हैं और इससे हमारी सब्जी बहुत स्वादिष्ट बनती है और ये हमें पेड़ पौधों से ही मिलता है। ये देखिए लौंग देख रहे हो तुम लोग, ये लौंग बहुत गर्म होती है और इसको भी हम गर्म मसाले में इसका हम प्रयोग करते हैं, ये भी हमें पेड़ पौधे ही देते हैं। बच्चों ये देखिए छोटी इलायची, ये हरे रंग की इलायची है, देखिए बच्चों ध्यान से देखिए, ये देखिए छोटी इलायची, ये भी हमें पेड़ पौधों से ही प्राप्त होती है। इस प्रकार से जो सारे मसाले हैं ये भी हमें पेड़ पौधे ही देते हैं। मीना तुम्हारे चेहरे पे तो पहले बहुत दाने थे, अब तो कुछ ठीक दिखाई पड़ रहे हैं, क्या हुआ कैसे ठीक हो गए तुम्हारे दाने? वैद्य काका ने बोला था कि नीम के पानी से नहाया करो, मैं उसी से नहाती हूँ और अब देखिए मेरे दाने कितने कम हो गए हैं। तो ये देखो बच्चों नीम की पत्ती है, देखो मीना ने इसी नीम की पत्ती को पानी में पहले डाला होगा और डालने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए रख दिया होगा और उसको छान कर उसी पानी से उसने नहाया होगा। पेड़ पौधे हमें दवाई भी दे रहे हैं। हाँ बच्चों ये बताओ कि जाड़ों में ठंड से बचने के लिए तुम क्या करते हो? रजाई ओढ़ते हैं दीदी और स्वेटर पहनते हैं। जरा ये बताओ कि ये जो रजाई है उसके अंदर क्या भरा होता है? रजाई में रुई भरते हैं। ये बताइए कि रुई कहाँ से मिलती है? कपास के पेड़ से। तो कपास के पेड़ से हमें रुई मिलती है और वही रुई हम अपने गद्दों में भरते हैं, रजाइयों में भरते हैं जी, और दी हमें ठंडक से उसका बचाव होता है। ठीक है बच्चों तो इस प्रकार से हम ये भी कह सकते हैं कि पेड़ पौधे हमें ठंड से सुरक्षा भी तो प्रदान कर रहे हैं। डलिया भी हमें पेड़ पौधों से ही प्राप्त होती है। कैसे? ये डलिया किससे मिलकर बनी है? बांस से, है ना? बांस की पतली पतली फंटी होती है और उसमें देखो बीनी गई है डलिया और ये डलिया भी तैयार हो गई। तो पेड़ पौधों ने हमें डलिया भी दी कि नहीं दी?
पेड़ पौधे हमारे तो बहुत काम के हैं। अब बच्चों तुम्हें पता है जब हम सांस लेते हैं तो कौन सी गैस अंदर करते हैं? ऑक्सीजन। और जब हम सांस छोड़ते हैं तो? कार्बन डाइऑक्साइड। बच्चों तुम्हें एक नई चीज शायद नहीं मालूम होगी, ये जो शुद्ध हवा है ऑक्सीजन गैस है, ये हमें पेड़ पौधे देते हैं। वो कैसे दीदी? पेड़ पौधे देते हैं तुम्हें नहीं मालूम? नहीं, मैं बताती हूँ। बच्चों पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण की एक क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण, ये कौन सी क्रिया है? प्रकाश संश्लेषण, चलो इसको हम आपको इस चित्र के माध्यम से समझाते हैं। जरा ध्यान से देखिए सारे बच्चों, ये है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। इस क्रिया में क्या होता है, ये देखिए सूरज दिख रहा है सब बच्चों को? सूर्य के प्रकाश में जो पौधे की जो हरी पत्तियां होती हैं, ये भोजन का निर्माण करती हैं। इसमें क्या होता है, जब ये क्रिया हो रही होती है तब पौधा कार्बन डाइऑक्साइड गैस अंदर लेता है। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जब सूर्य का प्रकाश होता है तब जो हरी पत्तियां होती हैं वो भोजन का निर्माण करती हैं, और इस क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस अंदर ली जाती है। किसके द्वारा? पौधों के द्वारा। और ऑक्सीजन गैस बाहर निकाली जाती है। इसके द्वारा पौधे में भोजन का निर्माण होता है, इसी को हम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं। दीदी आज रवि चिड़िया के घोंसले पे पत्थर मार रहा था। भाई ये तो बहुत गलत बात है बच्चों, तुम अभी उस पे निशाना लगा रहे थे ना आज सुबह। अगर तुम्हारा घर कोई तोड़े तो तुम्हें कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा ना। अब कभी भी किसी पशु पक्षी के घर पर कोई ईंटा पत्थर मत फेंकना, ठीक है बच्चों? बच्चों हम तुम्हें एक बात बताते हैं कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो पशु पक्षियों का घर भी होते हैं। कैसे होते हैं जरा सोच के बताइए। हाँ, जो बंदर है वो पेड़ पे रहता है, चिड़िया भी पेड़ पे रहती हैं, तोते पेड़ पे रहते हैं, और तुमने तनों में देखा है पेड़ों के कभी तने में देखा है खोखला ऐसा होता है, उस खोखले में कौन रहता है? हाँ उल्लू रहता है, वो रात में दिखाई पड़ता ना उल्लू को। पेड़ पौधे में कुछ चीटे चीटियाँ रहते हैं, उसके तने में जो नीचे की तरफ गिलहरी रहती है। तो इस प्रकार से पेड़ पौधे जीव जंतुओं के भी बहुत काम आते हैं, उनके रहने के वो घर होते हैं। पेड़ पौधे हमारे काम तो आते ही हैं, साथ में जंतुओं के भी तो काम आए कि नहीं आए? जी, जी, जी। बच्चों कुछ शाकाहारी जंतु जैसे कि खरगोश है, गाय है, बकरी है ना, भैंस है, ये सब लोग क्या करते हैं, अपना भोजन पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं। हाथी गन्ना खाता है, और गन्ना कहाँ मिलता है? गन्ने का पेड़ होता है कि नहीं होता है? पेड़ पौधों पे। अच्छा, और ये तुम्हारा बंदर जो है इसको केला बहुत पसंद है, पेड़ों पे रहता है कि नहीं, झूलता झूलता खाता है कि नहीं खाता है? तो जो शाकाहारी जीव जंतु है ये भी अपना भोजन पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं, जैसे हम प्राप्त करते हैं, हमें पेड़ पौधे देते हैं कि नहीं देते हैं, वैसे ही शाकाहारी जंतु भी अपना भोजन पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं, और वो वहाँ पर रहते भी हैं। अब बच्चों मैं तुम्हें इसके माध्यम से बताती हूँ कि कैसे उपयोगी है, जरा ध्यान से देखिए। बीच में ये पेड़ों के चित्र बने हैं, दिखाई पड़ रहा सब बच्चों को? ये देखिए ये पेड़ों के चित्र बने हैं। अच्छा हाँ बच्चों, ये चित्र में देखिए तना है, तने के बीच में खोखले भी बने हैं। अभी हमने आपको बताया था ना, जो तने में जो खोखले होते हैं उसमें कौन रहता है? उल्लू रहता है ना। हाँ, अब जरा फिर ध्यान से देखिए इस चित्र को, और हम आपको बताएंगे कि कैसे कैसे उपयोगी हैं। चलिए पहले ये देखते हैं, ये क्या है? कपड़ा। पेड़ पौधे हमें कपड़ा देते हैं। कैसे कपड़े देते हैं बताइए? हाँ, रुई। रुई हमें पेड़ पौधों से ही तो मिलती है। ये देखिए रुई का पेड़ है, कपास का पेड़ आपने बताया था, और ये वही रस्सी है, देखिए रस्सी बनी है, ये वही रस्सी है, और ये रस्सी हमें कौन देता है? जूट के पेड़ से, इस पेड़ से ही हमें प्राप्त होती है। और देखिए जूट से ये बोरा भी बना है, ठीक है? तो इस प्रकार से ये सब चीज़ें हमें पेड़ पौधे देते हैं। ये देखिए पशु पक्षियों का घर, पशु पक्षियों का घर, पेड़ क्या है? पशु पक्षियों के घर भी होते हैं। देखिए इसमें तोता भी रहता है, चिड़िया भी है, मोर भी पेड़ पर रहता है, तितली भी है, ये सब कहाँ रहती हैं? पेड़ पौधों पर रहते हैं। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि पेड़ पशु पक्षियों के घर भी होते हैं। ये देखिए फल और अनाज, पेड़ पौधे हमें फल और अनाज देते हैं। आपने ही बताया था अभी, जैसे कि सेब है, संतरा है, कद्दू है, अंगूर है, गेहूँ के देखिए बच्चों ये बालियाँ रखी हुई हैं, ये रोटी है, ये मटर है, गाजर है, मिर्चा है, ये सब पेड़ पौधे से ही द्वारा हमें मिलता है। फल और अनाज हमें पेड़ पौधे देते हैं। अगला देखिए दवाएं। दवाएं मतलब औषधियाँ। औषधि आपको, आपने ही तो बताया था कि वैद्य काका ने हमें बताया था नीम वाली बात। हाँ, ये देखिए अदरक, लौंग, काली मिर्च, देखिए तुलसी का पौधा, इस ये सब क्या है? दवाएं हैं। और ये सब दवाएं हमें कौन देता है? पेड़ पौधे देते हैं।
कागज, गोंद, रबर। देखिए बच्चों, ये कागज है, किताब है, किताब में जो कागज है ये हमें पेड़ पौधे देते हैं। वैसे ही गोंद, रबर और पेंसिल, पेंसिल से लिखते हो ना तुम लोग, और ये पेंसिल हाँ लकड़ी की लकड़ी से मिलकर बनी होती है और ये हमें पेड़ ही देते हैं। देखिए फिर बच्चों, खिलौने, खिलौने भी हमें पेड़ पौधों से ही प्राप्त होते हैं। देखिए लकड़ी की गुड़िया रखी है कि नहीं रखी है, लकड़ी की गुड़िया है, ये हवाई जहाज है, ये बतख है, इसमें देखो पहिए भी लगे हुए हैं और इसी पहिए को हम लोग दौड़ाते हैं, खिलौने को दौड़ाते ही दौड़ाते हैं। ये लकड़ी से मिलकर बना होता है और ये हमें कौन देता है, पेड़ देते हैं। ठीक है, देखिए घर, ये घर, अभी छप्पर की बात आपने बताई थी ना कि छप्पर किससे मिलकर बना होता है, कांस, मूंज, पैरा, बना होता है कि नहीं बना होता है, और ये हमें पेड़ पौधे ही देते हैं। वैसे ही देखिए ये बांस है, ये भी पेड़ पौधों से मिलता है। अभी डलिया की बात आई थी, याद आया आपको, डलिया की बात आई थी ना, ये डलिया भी हमें पेड़ पौधों से ही मिलता है। ये झाड़ू, नारियल का झाड़ू, फूल का झाड़ू ऐसे होता है ना, ये भी हमें पेड़ पौधों के द्वारा ही प्राप्त होता है। देखिए ये चूल्हा जल रहा है, चूल्हा जल रहा है कि नहीं जल रहा है, और इसमें जो लकड़ी है ये भी हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होती है। इस प्रकार से हमें ये पता चलता है कि ईंधन भी हमें लकड़ियों से ही मिलता है। ये देखिए बच्चों, फर्नीचर, फर्नीचर में क्या आ गया, कुर्सी, मेज, ये बेड यानी बिस्तर है, पलंग है, ये सब हमें, ये सब लकड़ी से मिलकर बना होता है कि नहीं, हाँ, और ये लकड़ी हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होती है। बच्चों देखिए ये हल बना है, हल की ये जो बांस पे ही तो बनाया गया है, ये भी हमें पेड़ पौधे ही देते हैं। पौधे हमें भूमि कटाव को रोकने में भी मदद करते हैं और ज़मीन को उपजाऊ बनाते हैं। फिर अगला बिंदु आया शुद्ध वायु, याद है बच्चों, अभी आपने बताया था कि ऑक्सीजन गैस बाहर निकालते हैं ना, हाँ, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे ऑक्सीजन गैस बाहर निकालते हैं और वायु को शुद्ध रखते हैं। तो इस प्रकार से जो शुद्ध वायु है वो भी हमें पेड़ पौधों से ही मिलती है। बच्चों एक नई बात हम आपको बताते हैं, जो वर्षा है यानी कि जो बारिश है ये हम पेड़ पौधों से ही प्राप्त करते हैं। पेड़ पौधे होते हैं तभी ढेर सारी बारिश आती है। बारिश अच्छी लगती है ना तुम लोगों को, हाँ, इसलिए खूब ढेर सारे पेड़ पौधे लगाना, ठीक है। पेड़ पौधे क्या करते हैं, वर्षा लाते हैं। तो इस प्रकार से पेड़ पौधे हमारे कितने काम आए, आए कि नहीं आए, जरा ध्यान से देखो, पेड़ पौधे हमारे बहुत सारे काम आए कि नहीं आए, हाँ। और तुम लोग कितना गलत काम कर रहे थे, पौधे को उखाड़ रहे थे ना, अब पौधे को मत उखाड़ना। दीदी जिस प्रकार पेड़ पौधे हमारे लिए उपयोगी होते हैं, क्या हम लोग भी उनके लिए उतने ही उपयोगी होते हैं? हाँ, पेड़ पौधों को भी हमारी जरूरत होती है। पेड़ पौधों की मदद हम कैसे करते हैं, देखिए बच्चों, जब हम सांस लेते हैं तो कौन सी गैस अंदर करते हैं, ऑक्सीजन गैस, और जब सांस छोड़ते हैं तो कौन सी गैस बाहर निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। बच्चों हमने आपको बताया था कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होता है कि पौधे कौन सी गैस लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और ये वही कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है जो कि हमारे श्वसन के द्वारा बाहर निकाली जाती है। इनकी मदद और भी अच्छी तरह से करते हैं, कैसे, कि जो बीज होते हैं, पेड़ पौधों के जो बीज होते हैं, जैसे कि भिंडी का बीज है या किसी भी पौधे का बीज जमीन में गिर गया और कोई जानवर या मनुष्य वहां से निकला, उसके खुर में फंस गया, और वो जहां भी गया और उसका खुर से मान लो झड़ गया वही बीज, और वहां से नया पौधा निकल आया, तो नए पौधों के जन्म में हम मनुष्य और जीव जंतु भी काम में आते हैं। जैसे कि तितली है, तितली किसी पेड़ पर बैठी, फूल पे बैठी, तो उसके जो पराग कण है उसके पैरों में चिपक गए, अब वो जहां कहीं भी जाएगी उसके पैरों से वो पराग कण या जो बीज है वो वहां से झड़ जाएंगे और वहां से नए पौधे का जन्म हो जाएगा। तो इस प्रकार से पौधों के प्रजनन के लिए हमें जो पेड़ पौधे जो हैं वो हम पर निर्भर होते हैं। बच्चों अब तुम लोग को समझ में आ गया होगा कि पेड़ पौधे हमें बहुत मदद करते हैं और साथ साथ हम लोग भी पेड़ पौधों की मदद करते हैं। दीदी हम लोग को समझ में आ गया है कि पेड़ पौधे हम लोग की मदद करते हैं। और आप भी तो मदद करते हैं।